के माछा ग्राम में अतिथि शिक्षकों के भरोसे चल रहा हाई स्कूल, समय से नहीं पहुंच पा रहे शिक्षक। सुहागपुर के माछा ग्राम में अतिथि शिक्षकों के भरोसे चल रहा हाई स्कूल, शिक्षा व्यवस्था चरमराई हुई है। सरकारी स्कूल 11 के बाद ही स्कूल खुल रहे, स्कूल में सफाई कर्मी या अन्य किसी व्यक्ति के द्वारा स्कूल का ताला तो 10:30 बजे खोल दिया जाता, लेकिन शिक्षक 11:30 के आसपास ही आते हैं। निरंतर बच्चों के अधिकारों का हनन किया जा रहा। बाल अधिकार के तहत एक अधिकार बच्चों को शिक्षा का अधिकार भी प्रदान है, लेकिन शिक्षा के अधिकार से वंचित हो रहे ग्रामीण स्कूल के बच्चे। हमने कोहानी, भटगांव, माछा, निवारी और अन्य कुछ ग्रामों का भ्रमण किया तो परिस्थिति सभी स्कूलों की एक जैसी थी। सरकारी स्कूल में एक बहुत बड़ी पेमेंट ले रहे सरकारी स्कूल के शिक्षक अपनी जिम्मेदारियों से कोसों दूर हैं। हम बात करते हैं स्कूल बंद करने की तो 4:30 बजे स्कूल की छुट्टी हो जाती है, लेकिन 4:30 बजे शिक्षक शहरों में दिखाई देते हैं। अतः अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि स्कूल कितने बजे बंद किए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले माता पिता को भी अपनी जिम्मेदारियों का एहसास नहीं है या अनजान है, जिसका संपूर्ण फायदा सरकारी स्कूल के शिक्षक उठा रहे हैं। हमने खबर के माध्यम से साक्ष्य उपलब्ध कराए, जिससे स्पष्ट रूप से देखा जा रहा है कि शिक्षक समय से अत्यधिक देरी से पहुँचे तो क्या वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा कार्रवाई की जाएगी, ये एक बड़ा सवाल है। प्राइवेट स्कूल के शिक्षकों को बहुत ही कम पेमेंट पर काम करना होता है, लेकिन सभी शिक्षक नियमित समय पर स्कूल पहुँचते हैं, नियमानुसार बच्चों को पढ़ाते हैं और मोटी तनख्वाह ले रहे हैं। शिक्षक अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में असमर्थ हैं। जब हमारी टीम द्वारा भ्रमण किया गया, अतिथि शिक्षक के रूप में केवल शरद वर्मा, शैलेश कुमार दायमा, जितेंद्र ठाकुर उपस्थित थे। कौन सी क्लास पढ़ते हो? 8A। सर आ गए आपके? सर अभी आ ही गए, वो अभी रास्ता। अभी कितने बज गए? घड़ी ये देखना आता है? यस सर। कितने बज रहे हैं? 11:30। अच्छा, अभी नहीं आए सर? ऐसे ही रोज लेट हो जाते हैं? नहीं सर, वो क्या है, रास्ता खराब है ना। सर, अक्सर आपके यहाँ से शिकायत मिलती है स्कूल देरी से खुलता है, क्योंकि आप सरपंच प्रतिनिधि भी हैं, तो क्या कहेंगे आप? हाँ सर, देरी से तो खुलता है, 1-2 घंटे के आसपास तो जो समय दिया है शासन के नियमानुसार उससे तो 1 घंटे लेट खुलता है। 10:30 बजे का टाइम जी, 11:30 ही तक खुल पाता है स्कूल जी। अब इसको आप ये समझ लें कि सभी शिक्षक अतिथि हैं या तो भी दूर से हैं, इस कारण से लेट हो जाते हैं जी, या जो भी समझें, पर लेट तो खुलता है। खबर भारतवर्ष के लिए सुहागपुर नर्मदापुरम से रूपेश कुमार की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।